जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। सियासत से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उनसे इस्तीफा देने को कहेगा तो वो देंगे। तीरथ सिंह रावत ने की है इस्तीफे की पेशकश। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नए नवेले हाल ही में बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से यह खबर बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष को बकायदा उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है। उत्तराखंड में 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दरअसल उनके कामकाज के तरीके को लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष की स्थिति थी। तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और अब उनको ये खत लिखा है जिसमें कहा है कि यहाँ पर संवैधानिक संकट है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया गया था। मार्च महीने में ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत आए और वो हालांकि सांसद हैं। कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि उपचुनाव ना करने पड़े, इस वजह से ये अब फिर से तब्दीली की जा रही है कि किसी विधायक को अब वहां पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। तीरथ सिंह रावत आलाकमान से मिलने के बाद वापस देहरादून के लिए रवाना भी हो चुके हैं। क्या इसको एक सामान्य प्रक्रिया, क्योंकि वो संवैधानिक नियमों का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। बकायदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको पहले से इस बात का अंदाजा रहा होगा कि जिसको भी मुख्यमंत्री की कमान हम सौंपेंगे उसको 6 महीने के भीतर चुनावों में जाना होगा। लेकिन क्या इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया? और सिर्फ इसीलिए क्योंकि चुनाव वो नहीं लड़ सकते, आर्टिकल कुछ और कहते हैं, व्यवस्था इस समय कुछ और देखी जा रही है, इस वजह से उनकी ओर से ये पेशकश की गई है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये तो जरूर है, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत के कामकाज को लेकर सवाल उठे थे, उनके बयानों को लेकर सवाल उठे, उसके बाद पार्टी को ये जरूर एहसास हुआ था कि कहीं कोई हम जो है एक नया जो मुख्यमंत्री चुना है उसके कामकाज को लेकर समीक्षा की जरूरत पड़ी और चुनाव में पार्टी को जाना है।